मैं जोहर की नमाज़ पढ़ा कर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। राशिद फरीदी नाम का एक आदमी है, हम उनको जानते नहीं थे पहले, अभी दो तीन दिन पहले मुलाकात हुई और आज ये हादसा मेरे साथ हुआ। आए मेरे ऑफिस में गाली देते हुए और जो है कुर्सी भी तोड़ दिया, गाली पकड़ दिया, जान से मारने की धमकी दिया, रिवॉल्वर निकाल के जो है गोली चलाई और जो जिससे मेरी जान तो बच गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कहा है कि आइंदा इस बार तो बच गए हो लेकिन आइंदा नहीं बचोगे, तुमको जो है जान से मारेंगे, तुम बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो, और भी बहुत सारी धमकियाँ दी हैं, माँ बहन की गाली दी, और जो है इस तरीके से जो है फिर ये हादसा हुआ। हादसा होने के बाद फ़ौरन जो है मैंने पुलिस वालों को बुलाया और सारी जो है बातें बताई उनसे, फिर जो है फ़ोटोज़ वगैरह भी निकाले गए और वीडियो भी जो है पुलिस वालों को दिया गया, हमने जो है बयान दे दिया है और जो है कोशिश जारी है जल्द अज जल्द इनके ख़िलाफ़ FIR करवाने के लिए। वजह क्या रही? वजह इसकी जो है देखा जाए तो कुछ नहीं है, वजह क्या है सही वही जानते हैं, मैं नहीं जानता। मस्जिद के पीछे की बिल्डिंग है उसको किस साजिश के तहत क्या बात है जो मैं नहीं जानता, कोई बेचना चाह रहा है उसको मैंने रोका, मस्जिद की प्रॉपर्टी है वक्फ की और जो है वो किस वजह से बेचना चाह रहा है तो वो वही जानते हैं, वो ना मुझे बता रहे ना मैं जानता हूँ, मैंने रोका है इसलिए मैं निशाने पर आया। क्या कुछ दिनों से फ़ोन पे भी धमकी दे रहे थे? हाँ, फ़ोन पे जो है आज जो आज सुबह से लगातार कई बार फ़ोन पर धमकियाँ दिया और गालियाँ भी दिया, मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो मुंह में आया सब कुछ उन्होंने कहा। और दो तीन दिन पहले भी फ़ोन आया था, मैं मेरे आदमी जाएंगे तो बिल्डिंग दिखाना, ये करना वो करना फलां ढका, इस तरह की बातें जो है मुझसे कर रहे थे वो। नाम बता, फ़खरुल हसन कासमी मेरा नाम है और मैं इस मस्जिद में 5 साल से इमामत कर रहा हूँ और जो है।